हम अब आपको बताएंगे इसके कैपेसिटर की वायरिंग कैसे होती है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैपेसिटर की वायरिंग कैसे होती है। ये तीन तार का है, कई जगह यहाँ पे चार तार का भी होता है। मैं चार तार के वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी ये देखिए हमारे पास 2.5 का कैपेसिटर है। कई किसी किसी पंखे में 3.15 का भी कैपेसिटर लगता है। ये हमने 2.5 का कैपेसिटर लगा रखा है। इसमें दो ब्लैक कलर के तार हैं, तो ये हमने कैपेसिटर ने दोनों ब्लैक कलर के तार जोड़ देने हैं। ये देखो ये दोनों हमने कैपेसिटर में ब्लैक कलर के तार जोड़ दिया। अब ये हमारा सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई, वो किसी भी एक तरफ जोड़ देना है। किसी भी एक तरफ जोड़ दिया, एक ये सिंगल तार पे इस पर जोड़ देना है हमें। अगर हमारा पंखा उल्टा चले, लग बाई चांस अगर हमारा पंखा उल्टा चलता है, जो कि हमें जब तक हम चालू नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलना है, अगर हमारा पंखा उल्टा चलता है तो ये वाला तार को हम इसमें से निकाल के कैपेसिटर के उस वाले हिस्से में डाल देना है। ये देखो अब हम इसको चालू करके देखेंगे। ये देखो हमारा पंखा सीधा चल रहा है, लेकिन अगर आपका पंखा उल्टा चले तो ये वाला तार यहाँ से निकाल के इस वाले में लगा देना। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही।